Okay, students, welcome back to Learners Academy. And our next topic is relations. After the Cartesian product comes the topic relations. वैसे चैप्टर का नाम relations and functions है, तो माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि relations से, जब चैप्टर का नाम relations and functions है, तो फिर relations से क्यों नहीं स्टार्ट किया? Because उसके लिए Cartesian product समझना जरूरी था. देखो, मैं एक बहुत important बात और एक बहुत ही basic बात बता रहा हूँ कि relation जो है ना, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये भी एक सेट है. टू स्टार्ट विद, एक लाइन अगर आप इसको माइंड में बिठा लो, हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक लाइन जो है मैं कहने वाला हूं, उसको अगर आप माइंड में बिठा दो तो आधी समस्या आसान हो जाती है. मतलब चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है. रिलेशन भी क्या है? एक सेट है. क्या है? सेट है, जो कि सबसेट है. किसका? किसका? जो हमने एक्सरसाइज वन में पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का. जो एक्सरसाइज वन में पढ़ा अपन ने, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका क्या है? ये एक सबसेट है. यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था बेटा? ऑर्डर्ड पेयर. क्या थे? उनमें से कुछ एक ऑर्डर्ड पेयर को छांट के एक सेट बना दिया गया. कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे ऑर्डर्ड पेयर थे, जितने भी हो सकते हैं, लेकिन रिलेशन में सारे भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत भी हो सकते हैं, या हो सकता है एक भी ना हो, ऐसा रिलेशन भी बन सकता है. अब कौन से छांटने और कौन से रखने हैं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए वो आपको एक रिलेशन देगा. भाई रिलेशन का मतलब अब समझा रहे हैं. रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध. रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध. अब जहां पे वर्ड आता है संबंध, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में कि किसका किससे, किसका किससे. भाई संबंध तो किसका संबंध, और सेकंड चीज, चलो किसका पता चल गया तो किससे, राइट? तो किसका की अगर बात करूं तो ये तो होगा सेट ए. अगर ए टू बी अगर अपन बात कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी बात कर रहे हैं, या फिर यूं कहूं पहला सेट, और किससे? दूसरे सेट से. तो पहले सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट से एक स्पेशल संबंध स्थापित होगा, जिसको अपन कहेंगे रिलेशन. क्या कहेंगे अपन? रिलेशन. समझ आया? चलो, ये तो हो गई टॉपिक का इंट्रोडक्शन. अब थोड़ा सा डिटेल में स्टार्ट करते हैं विद सम एग्जांपल्स. तो एग्जांपल मैंने जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट किया था बेटा, सेम टू सेम उसी एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं. यानी कि दो सेट बना लेते हैं, दो सेट बना लेते हैं. मैं डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करूंगा, डेफिनेशन बाद में बताएंगे. लेट अस स्टार्ट विद एन एक कुछ एग्जांपल्स लेंगे ना, तो उससे क्या टॉपिक शुरू में ही क्लियर हो जाएगा, फिर डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आएगी, राइट? इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं बेटा, 1, 2, 3. उसमें मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं, 4, 5, 6. ये है ए और ये है बी. कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए ना आप क्या होता है? तो ए टू बी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं. मुझे बताओ ए टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए क्रॉस बी, बोलते जाओ, 1, 4, 1, 5, 1, 6. वेरी गुड. आगे बोलो, 2, 4, 2, 5, 2, 6. आगे बोलो, 3, 4, 3, 5 and 3, 6. वेरी गुड, दैट्स इट. जितने भी पॉसिबिलिटीज थी सारी ऑर्डर्ड पेयर बना लिया अपन ने, कोई ऑर्डर्ड पेयर छोड़ा नहीं. अब इन ऑर्डर्ड पेयर में से मैं आपको कोई स्पेशल एक रिलेशन पूछूं और उस हिसाब से मैं कहूं, बताओ इसमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर छटके आएंगे बाहर. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक रिलेशन दिया. मैंने आपको क्या दिया? एक रिलेशन दिया. मैंने आपको रिलेशन दिया, रिलेशन को आर लेटर से डिनोट करते हैं. क्या? किस लेटर से? आर. और वो जो रिलेशन है वो ए टू बी है. ए टू बी मतलब ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट से संबंध स्थापित करना है. ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट्स से संबंध स्थापित करना. रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि रिलेशन वाले सेट में भी आपको ऑर्डर्ड पेयर ही रखने पड़ेंगे. क्यों? मैंने क्या कहा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर ही तो थे, तो रिलेशन वाले सेट में भी ऑर्डर्ड पेयर ही मिलेंगे. मैं कहता हूं कि x, y नामक ऑर्डर्ड पेयर रखिए, और इस तरीके से रखिए कि x प्लस 3 बराबर y आ जाए.
क्या वो बात की बात वो भी बता रहा हूं, जिसमें से x बिलोंग करेगा a से एंड y बिलोंग करेगा b से। भाई अगर मैं इसमें ये वाली लाइन हटा दूं तो ये तो वापस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट बन गया, सारे के सारे a से x लो और सारे के सारे b से। लेकिन ये लाइन जोड़ते ही अब पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, अब उसमें से कुछ एक पेयर ही सेलेक्ट होंगे जो इसको संतुष्ट करते हो, इस बात को जो संतुष्ट करते हो, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर छांटने हैं। पहले एलिमेंट में तीन जोड़ते ही दूसरा एलिमेंट आ जाए, चेक करो, 1+3 4 होता है ये पास, 1+3 5 होता है फेल, 1+3 6 होता है फेल, 2+3 4 होता है फेल, 2+3 5 होता है ना, हाँ तो ये पास हो गया, 2+3 6 नहीं होता है फेल, 3+3 4 नहीं होगा फेल, 3+3 5 नहीं होगा, 3+3 6 होगा। कौन से सेलेक्ट हुए, इसको संतुष्ट किसने किया, केवल इन तीनों ने किया। तो इस रिलेशन में इस क्या क्या कह रहे हो, कैसे हुआ, x+3 = y करना है, पहले एलिमेंट में +3, x क्या है पहला एलिमेंट, y क्या है दूसरा एलिमेंट, पहले एलिमेंट में तीन जोड़ते ही दूसरा एलिमेंट आने चाहिए, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर छांटो। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारी कर दिए थे अपन, इसका इससे सब सारे संबंध लिख दिए थे, एक भी नहीं छोड़ा था। अब रिलेशन में क्या करेंगे, कुछ एक स्पेशल रिलेशन देगा, उसके हिसाब से वो ही छटके आएंगे, छटके तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे, लेकिन स्पेशल रिलेशन के हिसाब से छटके बाहर आएंगे। तो केवल तीन ही ऐसे ऑर्डर्ड पेयर निकले जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, 1.4, दूसरा 2.5, तीसरा 3.6। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये डबल डॉट नहीं आएगा, रिलेशन R इक्वल टू आएगा। तो ये तो इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म थी, मैंने क्या कहा था रिलेशन भी एक सेट है ना, तो ये इस सेट की कौन सी फॉर्म थी बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बन गई, जिसमें ये तीन सेलेक्ट हुए, कौन कौन से, 1.4, दूसरा बोलो 2.5, तीसरा बोलो 3.6। ध्यान से देखो, ये जो रिलेशन है ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है या नहीं है, है? तो सबसे पहली चीज हमेशा याद रखना, रिलेशन क्या है, एक सेट है। कहां से मिला, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट से मिला। कैसे मिला, कुछ स्पेशल रिलेशन देके मिला। अब ये रिलेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहेगी, ठीक है ना, ये रिलेशन चेंज होती रहेगी, ये फिक्स नहीं है, ये ऐसा फिक्स नहीं, अरे कुछ भी, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, अरे कुछ भी देगा वो तो ऐसे भी देगा x²/y, वो तो ये भी देगा x > y, x और y में कोई भी संबंध स्थापित करेगा, कोई भी। अच्छा, इसी में से एक और रिलेशन बनाते हैं, चलो ये इसका नाम रख देते हैं R1, इसका नाम क्या रख देते हैं R1, पहला रिलेशन। उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक रिलेशन और बना रहा हूं मैं, R2। अब आप बताना, इसमें आपको लेने हैं x, y such that 2x equals to y, और सेम वही x तो a से बिलोंग करेगा एंड y कहां से बिलोंग करेगा, b से। ये तो लिखना ही है क्योंकि रिलेशन a to b है, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट a से और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट b से, ये तो कॉमन बात लिख दी मैंने सारे रिलेशंस के लिए ना, a to b चल रहा है। अब उसमें रिलेशन 1, तो बताइए अब उस ऑर्डर्ड पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे उसमें से कौन कौन सेलेक्ट हुए, पहले एलिमेंट का 2x किया तो दूसरा एलिमेंट मिला। आप चेक करो, पहले एलिमेंट का 1 का दोगुना किया तो 4 मिला, तो इसने सेटिस्फाई किया क्या, नहीं। इसका दोगुना 5 करता है क्या, नहीं। इसका दोगुना 6 करता है क्या, नहीं। हाँ, 2 का दोगुना 4 करेक्ट, 2 का दोगुना 5 गलत, 2 का दोगुना 6 गलत, 3 का दोगुना 4 गलत, 3 का दोगुना 5 गलत, 3 का दोगुना 6 सही। तो ये दोनों ने सेटिस्फाई किया। तो अब की बार रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से आ रहे हैं, ये मैं लिख देता हूं 2.4 3.6, ये दूसरा रिलेशन बन गया। समझ में आई बात, ऐसे कितने भी रिलेशन बना सकते हो जितने वो देगा, सेलेक्ट कहां से होंगे कुल मिला के, कार्टेशियन। अभी अपन बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं इसलिए मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख के दे दिया आपको, कल को जब अपन एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट होने लिखने बैठेंगे, अपन सीधे ही रिलेशन बना के और ऑर्डर्ड पेयर वो के वही लिखते जाएंगे। अभी तो अपन इसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं और फिर छांट रहे हैं,
ऐसा काम बाद में नहीं करेंगे। अच्छा एक रिलेशन लास्ट और बताओ। x कोमा वाई सच दैट x ग्रेटर देन वाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। तो बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स डालो। x y से बड़ा होना चाहिए पहला एलिमेंट। x क्या है पहला एलिमेंट, y क्या है दूसरा। जरूरी नहीं है एक्स वाई है, कल को a कोमा b भी दे सकते। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपन ने a कोमा b सीखा था ना, मैंने इसमें जानबूझ के एक्स कोमा वाई कराया ताकि हर एक चीज की आपको यूज टू हो जाओ। आप ए कोमा बी पे ही अटके रही आपकी गाड़ी, कल को एक्स कोमा वाई, कल को पी कोमा क्यों, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए रिलेशन में एक्स कोमा वाई पे आ गए अपन, ठीक है। हाँ पहला एलिमेंट एक्स, दूसरा एलिमेंट वाई, एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। बताइए जरा कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट होगा। क्या वन बड़ा है फोर से, क्या वन बड़ा है फाइव से, क्या वन बड़ा है सिक्स से, क्या टू फोर से, क्या टू फाइव से, क्या टू, अरे इधर के तीनों एलिमेंट उधर के तीनों एलिमेंट से छोटे हैं तो एक भी सेलेक्ट नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या कहूंगा कि एक भी ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब आर थ्री वाला जो सेट है वो एक एम्प्टी सेट है। जो आर थ्री है वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। फाइन, समझ में आया, क्लियर है। तो तीन रिलेशन हमने बयां किए, आर वन, आर टू, आर थ्री। कैसे लेट हो गए इतना, बदला ले रहे थे क्या, क्या अच्छा चलो बैठो। नहीं मुझे लगा क्या बता बदला ले रहे हो, सुबह को मैं लेट हुआ था तो आज अभी हम होंगे। चलो ठीक है, एक बार इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो डाल देता हूं मैं, जैसे सुबह डाला था सुबह वाली क्लास में, वन फोर। अब बातें नहीं होनी चाहिए, सीधे आके क्लास में बैठते जाओ, ऑलरेडी लेट हो। शुक्र मनाओ मैं मुर्गा नहीं बना रहा हूँ, इसलिए चुपचाप अलाउ कर रहा हूँ, बैठते जाओ, नहीं तो लेट आने वालों को मैं कभी कभी मुर्गा भी बना देता हूँ। ये काम सुबह भी किया था, किया था कि नहीं किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था जब। आप भी गए थे क्या फिजिक्स की क्लास, एंड वाई आर यू लेट। हाँ जी, तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हमने। अब मुझे बताओ इस रिलेशन को अपन ने कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया। एक तो रिलेशन वन को सेट बिल्डर फॉर्म से किया और फिर रोस्टर फॉर्म से, रिलेशन टू को भी सेट बिल्डर फॉर्म से और रोस्टर फॉर्म से, रिलेशन थ्री को भी सेट बिल्डर फॉर्म से और रोस्टर फॉर्म से। एक रिप्रेजेंटेशन और होता है, ये जो दो रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, इनको कहते हैं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब जो तीसरा रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं वो है वर्चुअल या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। तो नीचे लिखो, हाँ ये उतारो 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 जल्दी उतारो। हाँ अब एक काम करो, बाद में उतारना, आपने भी नहीं उतारा क्या, जल्दी करो फिर, वीडियो से देख लेना, वीडियो से देख लेना ना। मैं वैसे भी डेफिनेशन अभी लिख रहा हूँ ना इस चीज की, तो लिखिए रिलेशन की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन है ना। एक एग्जांपल दिया था मैंने, कुछ नहीं दिया अभी समझाने के लिए कि रिलेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन ले रहा हूं मैं, रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। आपकी बुक वाली डेफिनेशन ही लिखते हैं, काफी अच्छी और क्लियर डेफिनेशन है जिससे सारी चीजें क्लियर हो रही है। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, अ रिलेशन इज ए सेट, अ रिलेशन इज ए सेट भी नहीं कहूंगा, सबसेट कहूंगा। क्या कहूंगा, क्या कहूंगा, सबसेट। अ रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, क्या, हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। A relation is a subset of the Cartesian product of two sets A and B.
which is derived by describing a relationship, describing a relationship between the elements of set A, and set B. यहां तक रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सुबह किया था उसका सबसेट है. क्या है उसका सबसेट? क्या होता है सब जानते हो? उसका छोटा सेट, उसका छोटा पार्ट. ठीक है, हो सकता है कभी कभी वो एग्जैक्टली उसके बराबर भी हो जाता है. तो रिलेशन वाला सेट एग्जैक्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट के बराबर भी हो सकता है. हो सकता है, ठीक है. तो सबसेट है, और वो सबसेट बनता कैसे है? विच इज डिराइव्ड, जो कि बनता है कैसे? एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर देता है वो, किस किस के बीच में? सेट ए और सेट बी के बीच के एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित कर देता है. जैसे अपन ने अभी तीन रिलेशनशिप स्थापित किए एग्जांपल्स में, ठीक है ना. एक रिलेशनशिप स्थापित किया, वहां से कुछ पेयर सेलेक्ट हो गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, दूसरा किया वहां से कुछ और आए, तीसरा किया वहां से कुछ और मिले हमको. ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली इन टू फॉर्म्स. इट इज रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली इन टू फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. ये तो हो गया अलजेब्रिकली. एंड वर्चुअली या फिर यूं लिख सकते हो आप डायग्रामेटिकली by arrow diagram. Diagrammatically इसको कैसे denote करते हैं अपन? कैसे? Arrow diagrams. ठीक है, लिख लिया यहां तक? अब ऊपर जो अपन ने तीन relation बनाए हैं, example लिया था जो, उनके roster और set builder form तो लिख दिया, यानी algebraically तो दोनों forms लिख दी, या R1 की रिलेशन नंबर वन की, ये रिलेशन नंबर टू की, और ये रिलेशन नंबर थ्री की. ये तो लिख दिया अपन ने. अब इनमें से इन तीनों की ही पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि डायग्रामेटिकली इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो कि होता है एरो डायग्राम से. कैसे होता है वो? और सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता था, वैसे के वैसे ही होगा. तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करता हूं मैं. बनाओ दो एलिप्स, क्या उसमें तो अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है पूरा, अब बना रहे हैं रिलेशन वाला सेट. रिलेशन का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन था. ठीक है, अब रिलेशन ए टू बी है, तो हम क्या करेंगे? ये सेट ए और ये सेट बी, और ऐसा एक एरो डालेंगे ए टू बी. वैसे अपन क्रॉस लगाते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, अब अपन क्या डालेंगे? एरो डालेंगे कि ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट्स से संबंध स्थापित कर रहा हूं. सपोज करो ये R1 है, ये रिलेशन R1 है. अच्छा, ए सेट में कौन से एलिमेंट्स थे? सारे लिखो, 1, 2, 3, और बी सेट में कौन से थे? 4, 5, 6. तो रिलेशन नंबर 1 में आप चेक करो रिलेशन नंबर 1 में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट हुए थे? 1, 4, 2, 5 और 3, 6. ये सेलेक्ट हुए थे, हाँ.
तो वन के साथ फोर का एरो डायग्राम बना दो, वन के साथ तो किसका बनेगा, फोर का बनेगा लाइक दिस, टू के साथ किसका बनेगा, फाइव का था चेक करो, और थ्री के साथ किसका होगा, सिक्स का, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबका सबके साथ बनता था, मतलब समझ में आया, उसके पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में सबका सबके साथ, इसलिए मैंने पहले वो भी बना के बताया आपको, जबकि इस रिलेशन नंबर वन में केवल और केवल क्या हो रहा है, जो जो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट हो रहा है, रिलेशन नंबर वन क्या था कि पहले एलिमेंट में तीन जोड़ के दूसरा एलिमेंट लाना था, तो एक में क्या जोड़ू, एक में तीन जोड़ के दूसरा एलिमेंट लाऊंगा तो एक का चार से संबंध स्थापित होगा, दो का पांच से और तीन का छह से, क्लियर है, ये हो गया इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन एरो डायग्राम से। अब ऐसे ही R2 भी कर सकते हो, रफली करके बताओ, अगर मान लो R2 होता तो बोलो वन के साथ कोई सेलेक्ट हुआ था क्या, उसमें R2 में कोई हुआ ही नहीं था, टू के साथ कौन हुआ था, फोर, तो टू के साथ फोर सेलेक्ट होता उसमें और थ्री के साथ सिक्स, तो रिलेशन वाले सेट में इधर कोई एलिमेंट खाली भी बच सकता है और उधर भी कोई एलिमेंट खाली भी बच सकता है, समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है, इधर भी कोई एलिमेंट खाली बच सकता है और उधर भी बच सकता है, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ना इधर खाली बचता है और ना उधर खाली बचता है। अच्छा, रिलेशन नंबर थ्री की बात करूं तो वन टू थ्री किसी से रिलेटेड ही नहीं है, रिलेटेड ही नहीं है तो एक भी यहाँ पे एरो नहीं लग पाएगा, वो हो जाएगा मेरा रिलेशन नंबर थ्री, और ऐसे जितने भी रिलेशन बनते जाएंगे उनको हम पिक्चोरियल डायग्राम से, रोस्टर फॉर्म से और सेट बिल्डर फॉर्म से बता सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म से तो मोस्टली वो खुद ही बताता है, उसको अपने को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होता है या पिक्चोरियल फॉर्म में चेंज करना होता है। यहां तक सारी बातें क्लियर है, अब सुनिए अगली चीज, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने कहा कि रिलेशन नंबर वन में चलते हैं अपन सीधा, ये रिलेशन नंबर वन था, इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट हुए थे, ये इनको ध्यान से देखो, कौन कौन से सेलेक्ट हुए थे, 1.4, दूसरा 2.5, तीसरा 3.6, तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट की इमेज कहलाता है, क्या कहलाता है, इमेज, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट उसी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट की क्या कहलाता है, इमेज, और हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उसी ऑर्डर्ड पेयर की दूसरे एलिमेंट की क्या कहलाता है, प्री इमेज, क्या कहलाता है, दूसरा तो है इमेज और पहला है प्री इमेज। भाई वन में मैंने कुछ रिलेशन अप्लाई किया तो फोर मिला, तो फोर किसकी इमेज है, वन की है, और कोई पूछे फोर कहां से आया, वन से आया, तो वन उसकी क्या है, प्री इमेज है, प्री मतलब पहले क्या था, वो वन था, उसमें कुछ ना कुछ मैंने जादू टोना किया, फंक्शन अप्लाई किया और फोर मिला, समझ में आ गई बात, तो फोर उसकी इमेज है और फोर कहां से मिला, वन से मिला, तो वन उसकी प्री इमेज है, तो इस बात को लिखते हैं पहले अपन, समझ में आया ना, इमेज प्री इमेज, ठीक है, तो हेडिंग डालो इमेज एंड प्री इमेज, इमेज एंड प्री इमेज, ठीक है, इमेज एंड प्री इमेज, तो लिखिए द सेकेंड एलिमेंट ऑफ each ordered pair, the second element of each ordered pair, second element of each ordered pair of a relation, relation मतलब एक set है या ना, of a relation is called the image of the first element of the same ordered pair, उसी ordered pair की image कहलाएगी ना, of the same ordered pair, और pre-image की definition मेरे हिसाब से आप खुद लिख सकते हैं, second की जगह first कर दो और first की जगह second कर दो, ठीक है, and या whereas the first element of each ordered pair, the first element of each ordered pair
ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड द प्री इमेज। फिर से कह रहा हूं बेटा, इस चैप्टर को लाइटली मत लेना। डोंट स्टडी कि हमारे परसों एग्जाम है और हमको उसमें अच्छे मार्क्स लाने, उसके लिए इस चैप्टर को मत पढ़ना। इस चैप्टर को इसलिए पढ़ना है क्योंकि आगे पूरी मैथ्स करनी है आपको इस साल और अगले साल, है ना? तो कोई भी हल्का सा भी डाउट हो तो पूछना। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड द प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, प्री इमेज ऑफ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेम ऑर्डर पेयर। तो इमेज प्री इमेज क्लियर हो गया। ठीक है, इमेज प्री इमेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, सेव कर देते हैं। एक बार फिर से बताएं, लिख तो दिया आपने, लिख दिया ना सबने? देखो, हमने जितने भी रिलेशन, जैसे अभी एरो डायग्राम ही देख लो, तो वन और फोर का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा एक। इस रिलेशन आर वन की बात करूं तो आर वन में किसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? 1, 4 का। फिर किसका बनेगा? 2 के साथ 5 का संबंध है तो 2, 5, और फिर 3, 6। तो इसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर में एक इमेज है और एक प्री इमेज है। जो दूसरा एलिमेंट है वो तो है इमेज किसकी? पहले एलिमेंट की। और जो पहला एलिमेंट है वो प्री इमेज है किसकी? दूसरे एलिमेंट की। एरो डायग्राम से भी कह सकते हो, मैंने कहा 1 की इमेज बताओ क्या है? 4। मैंने कहा 3 की इमेज बताओ? 6। तो दूसरे एलिमेंट तो क्या है? इमेज है। क्या है? इमेज किसकी? पहले एलिमेंट की। और पहले एलिमेंट क्या है? प्री इमेज। मैंने कहा 5 की प्री इमेज बताओ, कौन है 5 की प्री इमेज? 2। तो ये दूसरे पहले एलिमेंट वो बी के हाँ, और बी के एलिमेंट्स हैं वो इमेज हैं ए के एलिमेंट्स की। समझ में आई अभी बात? लेकिन इसको ए और बी मत याद रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे 1, 1 का 4 से रिलेशन हुआ, 2 का 5 से हुआ, और 3 का भी मान लो, सपोज करो 3 का हुआ ही नहीं किसी से रिलेशन, मान लो 3 का हुआ ही नहीं, तो 3 तो किसी की प्री इमेज हुई नहीं ना। तो अपन ऐसे नहीं कह सकते ए और बी, क्योंकि ए और बी में तो ए में तो 3 भी आया, जबकि 3 तो किसी की इमेज ही नहीं है। आप बोलो रिलेशन सेट में, मतलब हम रिलेशन सेट जो बनाएंगे ना, रिलेशन सेट, उसके अंदर पहले एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स की प्री इमेज है, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो पहले इमेज की क्या है? इमेज है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, इमेज है और इधर वाले प्री इमेज है। क्लियर है, समझ आई बात? ठीक है जी। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप पूरी मैथ्स में बार बार सुनोगे, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, और साथ में एक वर्ड और साथ साथ चलता है, कोडोमेन। बहुत कंफ्यूजन होता है इसको समझने में, और अभी तो ये शुरू हो रहा है, ये आखिर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। 12th खत्म हो जाएगी तब तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा, तो ये तो बहुत ही ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, है ना? हेडिंग डालो आप, डोमेन, डोमेन कॉमा रेंज, डोमेन कॉमा रेंज, अटक गया क्या? एंड कोडोमेन। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक मिसकंसेप्शन चलता है बच्चों के माइंड में कि डोमेन का उल्टा कोडोमेन होता है। एक मिसकंसेप्शन है माइंड में कि डोमेन का उल्टा कोडोमेन, डोमेन का उल्टा रेंज होती है। क्या होती है? रेंज। कोडोमेन का मतलब कुछ अलग है, हालांकि उसके नाम में डोमेन वर्ड आ रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि डोमेन कोडोमेन उल्टे हैं एक दूसरे, डोमेन और रेंज है एक दूसरे को उल्टे। बताएं, बात करें तो आ जाओ वापस एग्जांपल, शुरू से आ जाओ बिल्कुल। देखो, ये हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, उसमें कितने? 3 और 3, 3 × 3, 9 ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट हुए थे। कितने? 9 ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद फिर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, तो इन 9 में से भी कितने ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट हुए? रिलेशन नंबर 1 में 3 सेलेक्ट हुए, रिलेशन नंबर 2 में 2 सेलेक्ट हुए, और रिलेशन नंबर 3 में एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ। तो हर एक रिलेशन का एक डोमेन होता है, एक कोडोमेन होता है, और एक रेंज होती है हर एक रिलेशन का। मैंने क्या कहा?
हर एक रिलेशन का, रिलेशन वन का भी होगा, रिलेशन हो सकता है सेम हो सकता है अलग अलग हो, बट रिलेशन वन का भी डोमेन और रेंज और कोडोमेन होगी, रिलेशन टू का भी होगा, रिलेशन थ्री का भी होगा, और जितने भी रिलेशन बनाते चले जाएंगे सबका होगा। अब क्या है डोमेन और क्या है कोडोमेन और क्या है रेंज? रिलेशन वन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं, हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला पहला एलिमेंट रखा हुआ है, उन पहले पहले एलिमेंट का सेट बना दो, दैट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन 1, 2, 3 सेट में पैक कर दो। ठीक है, तो मैं कहूं इसका डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ आर वन बताओ, तो सेट है, डोमेन भी एक सेट है, डोमेन भी एक सेट है, कोडोमेन भी एक सेट है और रेंज भी एक सेट है, तो डोमेन ऑफ आर वन क्या होगा, 1, 2, 3, कोई दिक्कत समझने में? अब मैंने कहा रेंज, तो इसी रिलेशन में सेकंड एलिमेंट्स का सेट बना दो, सेकंड एलिमेंट्स का सेट बना दो, 4, 5, 6 ये हो गई इसकी रेंज ना। अभी इमेज फ्री, देखो इमेज तो उसी का ही है ना, देखो मैंने कहा कि 4 किसकी इमेज है, हाँ ऐसे कह सकते हो आप कि जितनी भी इमेजें निकली उनका सेट बनाओ, जितनी भी प्री इमेजें निकली उनका सेट बनाओ, ऐसे कह सकते हो कि जितनी भी इमेजें निकली उनका सेट बना दो, वो तो हो गई रेंज, और जितनी भी प्री इमेजें निकली उनका सेट बना दो, वो हो गई डोमेन। ठीक है, लेकिन चलो कह सकते हो आप एक, लेकिन ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया कि इमेजों का सेट है, हाँ आपको जैसे समझ में आ रहा है समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेशन में ये दिया हुआ है कि रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट का सेट वो तो है डोमेन, और सारे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट्स का सेट वो है रेंज। फिर कोडोमेन क्या है? कोडोमेन ये है कि आपने रिलेशन ए टू बी डिफाइन किया था, तो जिस भी सेट में रिलेशन डिफाइन किया है, ये एंटायर सेट, ये पूरा एंटायर सेट कोडोमेन है, ये पूरा एंटायर सेट कोडोमेन है। तो बी में क्या आ रहा था, 4, 5, 6 आ रहा था, तो कोडोमेन 4, 5, 6 है ना। ऐसा लगता है बच्चों को कि कोडोमेन और रेंज सेम है, बट ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जरा R2 पकड़ो, जरा R2 तो पकड़ो, ये तो रेंज रिलेशन वन की बात चल रही थी, अब रिलेशन R2 का डोमेन बताओ, रेंज बताओ। ये मैंने R है ना शॉर्ट में, रेंज के लिए शॉर्ट में R लिख दिया, लेकिन रेंज पूरा लिखना क्योंकि R का मतलब रिलेशन भी होता है, तो रिलेशन वाला सेट ना समझ जाओ, क्योंकि रिलेशन भी सेट है रेंज भी सेट है। ठीक है, तो आप पूरा लिख देना, अभी जल्दीबाजी में मैं R लिख रहा हूं उसको, कोडोमेन। तो डोमेन बोलो पहले एलिमेंट्स का सेट 2, 4, रेंज बोलना जरा, सॉरी 2, 3, हाँ 2, 3, रेंज बोलना जरा 4, 6, अब कोडोमेन बोलना जरा। तो कोडोमेन तो अभी भी बी है, क्योंकि रिलेशन तो ए टू बी डिफाइन था, तो 4, 5, 6। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इस बार रिलेशन कोडोमेन के बराबर नहीं है, बट उसका सबसेट जरूर है। रिलेशन क्या, रेंज, इस बार रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, बट उसका सबसेट जरूर है। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है कि रेंज जो होती है वो या तो सबसेट होगी या बराबर होगी, किसके, कोडोमेन के। पहले रिलेशन में एग्जैक्टली बराबर निकल के आई, और इस वाले सेट में उसका रिलेशन निकल के आई, क्या कहूंगा, रेंज इज ए सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। तीनों चीजें समझ में आई क्या, रेंज कोडोमेन और डोमेन। जिस सेट में हम जा रहे हैं वो पूरा एंटायर सेट, उसमें कोई सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ, वो पूरे एंटायर सेट के सारे एलिमेंट्स लेने, वो है कोडोमेन। डोमेन और रेंज और रिलेशन, पहली बात तो रिलेशन की बात कर रहा हूं, रिलेशन हमेशा दो सेट में डिफाइन होगा, रिलेशन हमेशा दो सेट में डिफाइन होगा, तीन में चलेगा ही नहीं, ट्रिपलेट चलेंगे ही नहीं रिलेशन में, रिलेशन में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर ही चलेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में चलता था वो ट्रिपलेट का काम, ठीक है, क्लियर है, तो तीन का काम ही नहीं है, फिर मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और कोई डाउट यहां तक नहीं है, तो अब अपन डोमेन कोडोमेन और रेंज की डेफिनेशन लिख पाएंगे और आपको भरपूर मात्रा में अच्छे से समझ में आएगी। लिखते हैं, द सेट ऑफ All the elements, the set of all the elements, all the first elements, the set of all the first elements, या फिर कैसे लिखें, एक मिनट रुको, थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए, द सेट ऑफ, ऐसे लिखो,
द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट्स का सेट, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, ordered pairs, set of first elements of all the ordered pairs of a relation is called the domain of the relation. Us relation ka domain kehlayega wo. चलो कोडोम रेंज की बात करते हैं. आप खुद बना सकते हो अब तो रेंज की डेफिनेशन. फर्स्ट की जगह सेकंड कर दो. द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए रिलेशन, ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड द क्या रेंज, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन. और कोडोमेन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? The entire set to which, to लिख रहा हूं, from नहीं लिख रहा हूं. From तो था A और to था B. तो पूरा B जिस पर जा रहे हैं हम, जिससे आ रहे हैं वो नहीं है ना. The entire set to which the relation is defined, to which the given relation is defined is called the codomain of the relation. हो गया यहां तक डोमेन, कोडोमेन और रेंज. अब नोट करने वाली बात है, इसी के आगे नोट करके लिखो कि जो रेंज होती है वो सबसेट और इक्वल टू, क्या पढ़ेंगे इसको, रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन. रेंज इज आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री अभी इसी हिसाब से चलेगी, डोमेन कोडोमेन रेंज. और इस साल नहीं, अगले साल ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चलेंगे वो भी इससे चलेंगे, सब कुछ इसी से चलेगा. अब आपके रेंज कोडो में आपकी पूरी एंटायर मैथ सब सेट्स में खेलेंगे हम. पहले अपन मैथ्स को अलग अप्रोच से देखते थे, अब आज के बाद 11th क्लास के बाद अपन क्या पूरी मैथ्स को सेट रूप में देखेंगे. सेट, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शन, सारी मैथ्स यही है. ठीक है, क्लियर है? डोमेन हो गई, रेंज हो गई, कोडोमेन हो गई, इमेज सिखा दिया, प्री इमेज सिखा दिया, और इसमें देख लेते हैं बुक में और कोई ऑब्जर्वेशन. ये क्या ग्राफ, ये बस इसमें तो ये पैरो डायग्राम ही है जो बता दिया. 2.3 के में देखेंगे वो तो अभी, यहाँ का तो क्या. देखो इधर भी पढ़ लेते हैं अपन, इमेज फ्रीज में जो गई, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज. देखो इन्होंने भी वही सेम चीज लिखी है, रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन. और एक रिलेशन को हम अल्जेब्रिकली तो रोस्टर फॉर्म में कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कर सकते हैं, और पिक्चोरियल या विजुअल कहते हैं इसको. विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एरो डायग्राम होगा, बस दैट्स इट. हाँ, एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक करो एडजस्ट कहीं ना कहीं, एक लाइन बस. जहां हमने इमेज प्री इमेज लिखा है उससे पहले एक नोट डालो, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं लेकिन आपको लिखवाना भूल गया. हमने क्या सीखा कि रिलेशन क्या है, रिलेशन एक सेट है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है. तो वो बस वो बात हमको लिखनी है,
नोट डाल के कि जो रिलेशन वाला सेट होगा ना बेटा, जो रिलेशन वाला सेट होगा ना वो क्या होगा, या तो सबसेट होगा या इक्वल हो सकता है, ये भी इक्वल हो सकता है कि पूरे के पूरे सेलेक्ट हो गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 थे, 9 के 9 ही सेलेक्ट हो गए, रिलेशन ही ऐसा था, तो फिर रिलेशन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो सकता है। ठीक है, और एक नोट और लिखवाना है, वो आप नीचे आ जाओ, नीचे नीचे लिखेंगे उसको। हो गया ये, यहां तक हो गया? हाँ जी, लिखिए, हेडिंग डालिए, नंबर ऑफ रिलेशंस। कैसे पता करेंगे कितने रिलेशंस बन सकते हैं? अब कोई भी चीज रटना मत, आपको एक बहुत ही इजी सा लॉजिक बताता हूं मैं इस चीज का। नंबर ऑफ रिलेशंस, मैंने कहा ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए सेट में मान लो 3 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट में भी मान लो, परी इधर देखो, नोटबुक दो जिसकी भी है उसको, किसकी नोटबुक से कर रहे हो? हाँ, तो ये फेयर रफ घर पे खेलना, अभी ध्यान से सुनो। हाँ, सपोज करो मैंने कहा 2 सेट्स हैं ए और बी, ए में भी 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? थ्री इंटू थ्री 9 होंगे ना। अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 × 3 9। अब मैंने ये कहा कि कुछ एक रिलेशन देता हूं उसके साथ। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी क्या? बिल्कुल हाँ। तो 3 × 3 9 रिलेशन हो गए, और 9 ऑर्डर्ड पेयर हो गए उसके। अब मैंने आपको कुछ भी रिलेशन डिफाइन कर दिया, भाई ऐसे करो, जैसे रिलेशन नंबर 1 डिफाइन किया था हमने ऊपर, तो उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट हुए थे? 3 हुए थे, 3 हुए थे। फिर रिलेशन नंबर 2 में कितने सेलेक्ट हुए थे? 2 हुए थे। फिर रिलेशन नंबर 3 में कितने सेलेक्ट हुए थे? 5, एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। तो एक तरीके से 3 रिलेशन तो निकाल लिया आपने, ऐसे करके और भी निकाल सकते हो, और भी निकाल सकते, कितने निकाल सकते हो? तो जितने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स बन सकते हैं उतने ही तो निकाल सकते हो। भाई ये सबसेट है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये भी सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और 5 भी है, 5 भी तो सबका सबसेट होता है, समझ में आई बात? तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उतने ही तो रिलेशंस निकाल सकते हो मैक्सिमम, समझ में आई बात? तो कोई पूछे कितने निकालोगे, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, कि अगर एक सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो सेट के 2 की पावर m इतने सबसेट्स निकल सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं हमने सीखा था, p × q एलिमेंट्स हैं, तो फिर सबसेट्स नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकाल सकते हो आप? 2 की पावर pq। ठीक है, तो वही चीज लिखने वाले हम। भाई डायरेक्ट में फॉर्मूला लिखवा सकता था 2 की पावर pq, पर आया कहां से, आया कहां से, ये चीज भी समझनी जरूरी है। तो लिखते हैं हम नंबर ऑफ रिलेशंस में, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर p है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अगर q है, देन हमने पहले भी लिखा था, फिर से लिख देते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a क्रॉस b, यानी कि a का b से कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कितने होंगे? pq या p × q। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस बी। भाई ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशन बना पाओगे आप ए से लेके पी में, और कितने सबसेट्स हो सकते हैं इसके? फॉर्मूला के हिसाब से 2 की पावर pq। ये पूरा इलस्ट्रेशन हो गया कि फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सभी को? तो यहाँ पे आपका रिलेशंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट
रिलेशंस कितने बन सकते हैं इसका फॉर्मूला, कितने रिलेशंस बन सकते हैं। जैसे अभी अपन ने तीन बनाया, R1, R2, R3, R4 भी बना सकता हूँ, R5 भी बना सकता हूँ, तो कितने बना सकता हूँ, 2 की पावर p इंटू क्यू, इतने मैं रिलेशंस बना सकता हूँ। जैसे अभी कितने मेरे पास, 3 गुणा 3 9, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 पता है कितने क्या होती है, 2 की पावर 9 होती है 512, तो 512 रिलेशंस मैं बना सकता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 9 टाइम्स, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 2 into 2, 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 512 हो गई ना, 9, 2 की पावर 9, 512, और फिर 2 की पावर 10 हो जाती है 1024, ठीक है ना, क्लियर है। हमारे जो ये मोबाइल फोन में और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा चलता है ना, वो जैसे मेमोरी कार्ड का डेटा है वो 2 की पावर में चलता है भाई। आपको या तो 128 MB मिलेगा, फिर इंटू टू करो 256 मिलेगा, फिर इंटू टू करो 512 मिलेगा, फिर इंटू टू करो 1024 मिलेगा, 1024 MB 1 GB बन जाता है, समझ में आई बात, तो वो उसी फॉर्म में चलता है, क्लियर है सारा। तो ये आपका रिलेशंस का थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे कवर होता है। कोई डाउट हो माइंड में तो पूछ लो, मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। कोई डाउट नहीं है, क्या होता है रिलेशन, फटाफट से रिवाइज करो। रिलेशन क्या होता है, एक सेट होता है, कहाँ से मिलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करके, और वो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट कैसे करते हैं अपन, एक स्पेसिफिक रिलेशन से जो हमको दिया हुआ होता है, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स में, वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो रिलेशन आपको बता देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रिलेशन। रिलेशन की में क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, हर एक ऑर्डर्ड पेयर में इमेज होगी और प्री इमेज होगी। अच्छा, रिलेशन को कितने तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीन तरीके से, दो तो अल्जेब्रिक तरीका है और एक विजुअल तरीका है। अल्जेब्रिक कौन कौन सा है, रोस्टर, सेट बिल्डर, और विजुअल कौन सा है, एरो डायग्राम। कई बार एक आधे नंबर का आ जाए कि उसको उसको बोलते क्या है, तो एरो डायग्राम बोलते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। इमेज हो गया, प्रिय। डोमेन क्या होता है, डोमेन फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बना दो रिलेशन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट सेट ए है, पता है वो तो मुझे, और सेकंड एलिमेंट्स का सेट सेट बी है, वो भी पता है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ रिलेशन वाले सेट में, रिलेशन में जो छटके आ गए ना, तीन चार पांच जितने भी ऑर्डर पेयर छटके आ गए, उसमें से पहले पहले एलिमेंट का सेट बना दो, वो उस रिलेशन का डोमेन होगा, हर एक रिलेशन का अलग डोमेन होगा, समझ में आई बात। R1 का अलग डोमेन होगा, R2 का अलग होगा, R3 का अलग होगा। रेंज क्या होगी, उसी रिलेशन सेट में सेकेंड एलिमेंट्स को छांट के सेट बना दो, वो है। और को डोमेन, रिलेशन जहां से जहां डिफाइन था वो दूसरा वाला एंटायर सेट हो जाएगा उसका को डोमेन, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताओ, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एक्सरसाइज नंबर 1 में तो डोमेन और रेंज निकल के नहीं आया, या कोडोमेन निकल के नहीं आया, एक्सरसाइज नंबर 2 में निकल के आया और 3 में भी आएगा, तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट का डोमेन और रेंज नहीं होता है क्या, क्यों नहीं बताया आपको, क्या सेट ए के इक्वली हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, सेट सारे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स का सेट बनाओ, तो पहले एलिमेंट्स का सेट में सारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के, तो सेट ए ही उसका डोमेन हो जाएगा, सेट बी उसका कोडोमेन हो जाएगा और रेंज भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बताना जरूरी नहीं समझा, पर ऐसा मत समझ लेना कि उसका डोमेन और रेंज होता नहीं है, होता है, बट जहां से जहां डिफाइन है वो पूरा ही डोमेन होता है और वो पूरा ही कोडोमेन और रेंज होता है। अब कोई कहे भाई ऐसे कैसे, सुना तो नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, क्या है रिलेशन, सबसेट है भाई, रिलेशन, रिलेशन क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और हर एक रिलेशन का, हर एक रिलेशन का डोमेन और रेंज होती है या कोडोमेन होती है, तो कभी कभी तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के एग्जैक्टली बराबर भी तो हो जाता है, हो जाता है ना, सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ गए इसमें, तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी डोमेन और रेंज हुआ ना, क्योंकि हर एक रिलेशन का डोमेन और रेंज है, तो उस वे में सोचें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी डोमेन और रेंज होता है, पर अंडरस्टूड होता है यार, जिस सेट से जिस सेट में जा रहे हैं वो पूरा ही डोमेन है और वो पूरा ही, क्योंकि कुछ छांटना तो है नहीं, सबका सबसे रिलेशन बताना है, कुछ छांट उसमें छटनी तो हो ही नहीं रही है ना, छटनी कहाँ जाके हो रही है, रिलेशन में जाके, तभी तो फिर डोमेन और रेंज डिफाइन हो पा रहा है, समझ में आया सबको, क्लियर है, चलो लेट अस प्रोसीड। हाँ, विजुअल प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी बोल सकते हैं अपन, है ना इसको, ठीक है। चलिए तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, उसके लिए लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन, नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं उसमें।